हाल ही में सांसद जया बच्चन पर भड़कने के बाद बीजेपी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने अपनी बातों से पलटी मार ली है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे जया बच्चन के बारे में बोलती हुई कंगना अपनी बातों से पलटी मारती नजर आई। गैंगस्टर एक्ट्रेस ने हाल ही में एक रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान विवादित बयान एक बार फिर दिया। कंगना ने जया बच्चन को निशाने पर लिया। कंगना जो सभापति पर जया बच्चन की नाराजगी को लेकर अपनी राय व्यक्त करती नजर आई, उन्हें पहले तो अहंकारी करती नजर आई। इसके बाद जया बच्चन का जो गुस्सा फूटा था उस पर भी कंगना रनौत अपनी रिएक्ट करती नजर आई। फिर उन्होंने कहा है, क्या महिलाओं की अपनी पहचान नहीं। हालांकि इस पूरे विवाद के बारे बाद उन्होंने अपने ही फैसले पर पलटी मारी। जया ने बाद में खुद ही अपने नाम में पति अमिताभ का नाम जोड़ा और कहा उन्हें अपने पति पर गर्व है। जया बच्चन इस पर भी बोलती नजर आई। आपको बता दें कंगना ने इस पर क्या कहा, आप सबको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में जो कंगना ने कहा इस बारे में। जी हाँ, आप सबको हम बताना चाहेंगे जो कंगना रनौत ने पलटी मारते हुए जया बच्चन को देखा था इस पर पूरे मामले पर जो कहा, ये तो काफ़ी शर्म की बात है। नेचर ने महिला पुरुष को अलग अलग बनाया है, उनमें एक अंतर है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, फेमिनिज्म के नाम पर कुछ महिलाएं गलत डायरेक्शन में जा रही, यानी कि जया गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, ये साबित करती नजर आई कंगना। कंगना ने कहा हमारी सोसाइटी एरोगेंस की तरफ जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। जया की तरफ इशारा कंगना का था। उन्होंने ये भी कहा है कई सितारों पर निशाने पहले भी साधे और इस बार जया बच्चन पर वो बोलती भी बिना उनका नाम लिए उन पर अटैक करती नजर आई हैं। ये पहली बार नहीं, ड्रग मामले, थाली विवाद, सारी चीज़ों पर जया बच्चन पर विवादित बोल बोलती आई हैं। उन्हें ना तो अमिताभ ना जया किसी के बारे में बेझिझक बोलने से कभी भी एतराज जताते नहीं देखा गया। इससे पहले ट्विटर पर अमिताभ के सक्रिय होने पर भी कंगना ने तंज कसा था।